हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम इन द फैमिली ऑफ नव भारती स्कूल। आवर रनिंग चैप्टर चैप्टर नंबर सेकेंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गोइंग ऑन, नए साझेदार का प्रवेश सेकेंड चैप्टर अपना चल रहा है। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है गुडविल। गुडविल को जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ख्याति कहा जाता है। ख्याति यानी प्रतिष्ठा, एक तरह की इमेज। 11th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल नंबर फर्स्ट इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति यानी कि जिसको न तो देखा जा सकता है न जिसको छुआ जा सकता है, इनविजिबल एंड अनटचेबल। टेंजिबल एसेट्स आप लोग जानते हैं, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, कंप्यूटर है, ये सब टेंजिबल एसेट्स थी। तो नंबर एक बात, गुडविल क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है। और अदृश्य संपत्ति होने के बावजूद भी ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति होती है, वेरी वैल्युएबल एसेट होती है। नंबर सेकेंड बात, गुडविल इज नॉट ए फिक्सियस एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सियस एसेट? फिक्सियस एसेट्स को हिंदी के अंदर बोलते हैं नाम मात्र की संपत्ति या नॉमिनल एसेट्स। ये सारी एसेट्स भी बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर दिखाई जाती है। फिक्सियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि जिनको बेचने से एक नया पैसा भी वसूल नहीं होता है। नॉट इवन ए सिंगल पेनी कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द फिक्सियस एसेट्स। ये नाम मात्र की संपत्ति होती है और इसके बावजूद भी इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर दिखाया जाता है। फिक्सियस एसेट्स के मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। नंबर एक, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। बिजनेस के अंदर लॉस हो गया 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए के लॉस के अंदर से 80,000 रुपए का लॉस पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड कर लिया और 20,000 रुपए का जो लॉस है वो आपस में उन्होंने डिवाइड नहीं किया और बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर इसको डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस से एसेट्स होने के बावजूद भी एक नया पैसा भी वसूल नहीं होगा, इसको बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह से प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक खर्चे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर, खासतौर से कंपनीज का जब स्टार्ट की जाती है कंपनीज, तो उनके स्टैम्प्स के खर्चे होते हैं, लीगल पेपर्स बनवाने पड़ते हैं, ऐड करना पड़ता है। किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो खर्चे होते हैं ये प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन सब को भी बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर दिखाया जाता है। इसी तरह से नंबर तीन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यानी कि जब ऋण पत्रों का या शेयर्स का कंपनीज के द्वारा इशू निकाला जाता है, निर्गमन किया जाता है, तो जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है उसको 80 रुपए के अंदर इशू कर दिया। शेयर्स पहले डिस्काउंट के ऊपर इशू हो सकते थे, लेकिन अपनी अधिनियम 2013 संशोधन, अब कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती है। तो ये एक तरह का लॉस है
और इससे भी कोई पैसा वसूल नहीं हो सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्थगित आयगत व्यय जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक विज्ञापन के लिए किसी कंपनी ने या किसी बिजनेस ने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए एक बड़ा अमाउंट उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च कर दिया, तो 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, तो बिजनेस क्या करेगा कि इस 5 लाख रुपए को 5 वर्षों के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष के हिस्से के अंदर कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। ये 1 लाख रुपए का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा और बाकी का जो 4 लाख रुपए है वो बैलेंस शीट के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख रुपए P&L के DR में और बाकी का 3 लाख बैलेंस शीट के अंदर, नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख रुपया P&L के डेबिट में और रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख और इसी तरह से बाद में 2 लाख और लास्ट के अंदर 1 लाख और जैसे ही 5 साल पूरे होंगे ये सारा राइट ऑफ हो जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है यानी कि जब रीपेमेंट किया जाता है डिबेंचर्स का और इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स का जब रिडम्पशन किया जाता है पेमेंट किया जाता है पीरियड मैच्योर होने के ऊपर और उसके ऊपर जैसे मान लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यानी कि जैसे 100 रुपए का प्रेफरेंशियल शेयर्स है और उसका जो रिडम्पशन है वो 110 रुपए के अंदर किया जाता है यानी कि 100 रुपए के शेयर्स का पेमेंट 110 रुपए यदि किया जाता है तो ये भी एक तरह का लॉस है। ये सारे कैपिटल लॉस है फॉर योर गुड इन्फॉर्मेशन, ये बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हुए हैं। कैपिटल लॉस कौन से होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, जो रिकरिंग टाइप के नहीं होते हैं, जो रिपीट नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि जो गुडविल है वो एक अदृश्य संपत्ति है, फिक्सियस एसेट्स नहीं है। इन फिक्सियस एसेट्स को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। अब अपन बात गुडविल की करें तो गुडविल खरीदी भी जा सकती है और बेची भी जा सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अकेली गुडविल न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने जयपुर के अंदर LMB होटल है, LMB होटल वाला कह रहा है कि मैं अपना होटल तो बेचना नहीं चाहता हूं लेकिन मार्केट के अंदर जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरी गुडविल है, आज की तारीख में बच्चा बच्चा LMB होटल को जानता है और LMB होटल की जो मिठाइयां है वो विदेशों तक के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है। आई डू नॉट वॉन्ट टू सेल बाय होटल बट आई वॉन्ट टू सेल बाय गुडविल, आई वॉन्ट टू सेल बाय प्रतिष्ठा। तो इस कंडीशन के अंदर केवल गुडविल कोई भी नहीं खरीदेगा। यदि वो पूरे बिजनेस को बेच रहा है, पूरे होटल को बेच रहा है, तो हो सकता है कि अपन गुडविल भी खरीदनी पड़ जाए अपन को। तो इसलिए कहा जाता है कि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है न कि एक फिक्सियस एसेट्स है। अब स्टूडेंट्स गुडविल का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि गुडविल का वर्णन तो किया जा सकता है, गुडविल कैन बी एक्सप्लेन बट कांट बी डिफाइन, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसकी कोई सर्वमान्य सार्वभौमिक इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फिर भी कुछ विद्वानों ने कहा कि किसी बिजनेस की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य ही ख्याति कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी भी बिजनेस की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य विच कैन बी मेजर्ड इन करेंसी क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। एक विद्वान ने कहा कि गुडविल एक ऐसी आकर्षण शक्ति है, अट्रैक्शन पावर है, जिसके द्वारा कस्टमर
अगेन एंड अगेन उसी स्थान के ऊपर वापस आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, यदि हमने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के एक बार कोई घेवर खा लिए पनीर के या मावे के या और कोई अपन ने मिठाई खा ली और अपन को पसंद आ गई, तो अपन क्या करेंगे, अपन बार बार उस होटल के ऊपर ही वो मिठाई जो आपको पसंद आ गई है वो खरीदने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, साफ सफाई वहां पर अच्छी है। तो एक तरह से एलएमबी होटल की गुडविल जो है, जो प्रतिष्ठा है, वो अच्छी है। तो इस तरह से गुडविल को अपन कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के नाम से या उसके गुड रिलेशन से और गुड क्वालिटी से कमाया गया लाभ, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस बाय हिज प्रतिष्ठा, बाय हिज इज्जत, बाय हिज रेपुटेशन, गुड रिलेशंस एंड गुड क्वालिटी इज कॉल्ड गुडविल। आशा करता हूं कि गुडविल आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे गुडविल की विशेषताओं के अंदर अपन लिख सकते हैं कि गुडविल एक मूल्यवान संपत्ति है, गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, गुडविल एक नाम मात्र की संपत्ति नहीं है, फिक्सियस एसेट्स नहीं है, यह एक आकर्षण शक्ति है, आदि आदि। लेकिन एक जो विशेषता है गुडविल की, यह परिवर्तनशील है, फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि गुडविल किसी भी बिजनेस की कभी अच्छी हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है और कभी डिक्रीज भी हो सकती है। आपको याद होगा कि एक बार मैगी कंपनी के बारे में पेपर्स के अंदर न्यूज आई थी कि जो मैगी बन रही है उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है और उसके अंदर मिलावट हो रही है। तो कुछ समय के लिए जो नूडल्स बनाती है मैगी कंपनी, उसकी जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है, एक बार डाउन हो गई थी। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं, जॉनसन एंड जॉनसन का, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह बनाती है, तो फॉरेन के अंदर किसी लेडी ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से या जेट पाउडर से कैंसर होता है, और उसने एक क्लेम कोर्ट के अंदर सूट कर दिया और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का उसको क्लेम देना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। तो उस समय जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो गुडविल है वो डाउन हो गई, यानी कि गुडविल परिवर्तित हो सकती है। देयर मे बी अप एंड डाउन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसके बारे के अंदर अभी अपन चर्चा करेंगे। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वे तत्व कौन कौन से हैं जिसके कारण किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी हो सकती है और किसी बिजनेस की गुडविल डाउन भी हो सकती है। उसके अंदर नंबर फर्स्ट है व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। स्टूडेंट्स, वैसे इन चीजों को समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि मार्केट के अंदर कोई बिजनेस मेन पॉइंट के ऊपर है, बीच बाजार के अंदर है, मेन रोड के ऊपर है, तो वहां पर कस्टमर ज्यादा आएगा, और कस्टमर ज्यादा आएगा तो सेल ज्यादा होगी, और यदि सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और उस स्थान के कारण, उस सुविधाजनक स्थान के कारण सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने से गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। प्रबंध की कुशलता, यदि किसी बिजनेस का मैनेजमेंट ट्रेंड है, कुशल है, तो वो बिजनेस को सही ढंग से ऑपरेट करेगा, और सही ढंग से ऑपरेट करेगा तो उस बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा और इस तरह से गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, जैसे मान लो कोई बिजनेस या कोई दुकान पिछले 20 साल से 25 साल से चली आ रही है और शहर का या गांव का बच्चा बच्चा उसको जानता है,
तो उस बिजनेस की गुडविल ऑटोमेटिक ही ज्यादा होगी। वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, किस चीज का बिजनेस किया जा रहा है, इस चीज से भी बिजनेस के अंदर फर्क पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे प्रोडक्ट होता है और उसकी गिनी चुनी दुकान ही मार्केट के अंदर होती है तो वो दुकान अपने आप ही फेमस हो जाती है, उसकी गुडविल अपने आप ही बढ़ जाती है। एकाधिकार मोनोपोली, मोनोपोली किसी वस्तु का एकाधिकार है कि पूरे मार्केट के अंदर या पूरे शहर के अंदर केवल उस चीज की एक ही दुकान है, तो कस्टमर्स के पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो एकाधिकार होने की वजह से भी गुडविल बढ़ जाती है। इस तरह से जोखिम की मात्रा है, लाभों की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति क्या है। यदि किसी बिजनेस के अंदर यदि प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, तो बट नेचुरल उस बिजनेस की गुडविल जो है वो अच्छी होगी। पूंजी की मात्रा, कैपिटल की मात्रा कितनी है, यदि इन्वेस्टमेंट अच्छा किया हुआ है और बिजनेस प्रॉफिट के अंदर जा रहा है तो बट नेचुरल उस बिजनेस की जो गुडविल है वो अच्छी होगी। इसी तरह से यदि किसी बिजनेस के अंदर लगातार लॉस हो रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि उस बिजनेस के अंदर कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। क्रेडिटर्स हैं, उनको डर लगेगा कि मेरा पैसा वसूल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपन ने गुडविल क्या होती है, गुडविल की परिभाषा क्या होती है, साधारण अर्थ क्या होता है और गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, ये अपन ने चर्चा करी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लेने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो होगा कि गुडविल का मूल्यांकन कब कब किया जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ऑल वेरी मच।